ठीक है गाइस, टेक ऑफ करते हैं अब इसका। बस हमारे हर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की तरह ये टूट ना जाए पहली बारी में। तो गाइस ये थे कुदरती बर्ड्स, नेचुरल बर्ड्स, इनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ये एक आरसी बर्ड। तो गाइस यार ये जो बर्ड है ये ना कोई हेलीकॉप्टर है, ना कोई हवाई जहाज है, ना ही कोई रॉकेट है, ये है बर्ड और वो भी रिमोट से चलने वाला। अब यकीन मानो यार इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरीके से उड़ता है। अभी आपने जो जितने भी बर्ड्स देखे भैया उनकी जो फ्लाइंग है वो तो एक नंबर है, वो कई सारे बर्ड्स जो है एक साथ झुंड के अंदर इधर उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये जो बर्ड है ये प्रोफेशनल आरसी बर्ड है गाइस। आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको उड़ा के देखते हैं और देखते हैं कि ये इस तरीके से उड़ पाता है या फिर नहीं। गाइस ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि पहली चीज तो ये ब्रांडेड है और दूसरा ये प्रोफेशनल है, क्योंकि गाइस यार ये नॉर्मल बर्ड नहीं है। अभी अंदर से ये कैसा है फिर क्या है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि मैं तो आपके लिए बस यूनिक यूनिक चीजें और यूनिक यूनिक वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आपके सामने ही इस चीज को खोल रहा हूँ। तो गाइस बहुत ज्यादा हल्का है ये और यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है और अंदर देखते गाइस अब क्या है इसके। वाह यार, तो गाइस यार ये मैनुअल है। अब ओ भाई ये देखो गाइस, ये देखो प्रोफेशनल बर्ड नहीं इसमें ना। अबे कितना हल्का है ये, एक बार उठा के देख कितना हल्का है। और ये इसका रिमोट बिल्कुल अलग है। आप आज तक जितनी भी आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी वो उनका अलग रिमोट आता है, इसका देख अलग है यार। ये जॉयस्टिक है इसके ऊपर, गाइस इसके ऊपर जॉयस्टिक है ये देखो, और यहाँ पे दो बटन है और यहाँ पे भी कुछ बटन है गाइस। और ये क्या है गाइस, देखो इसकी इतनी सी बैटरी है, देखो छोटी सी बैटरी में लेकिन वजन है। और ये इसका चार्जर है गाइस, आई थिंक ये किस तरीके से इस तरीके से चार्जिंग में लग जाती है। इसके अंदर आई थिंक स्क्रूज वगैरह हैं इसके अंदर कसने के लिए। और यहाँ पे भी कुछ है यार, यहाँ पे तो नजर डाली नहीं थी अपने मनीष, ये देख। ओ यार गाइस पंख बहुत ज्यादा हल्के हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक पंख है ये देखो, बहुत ज्यादा। ओ भाई ये देखो गाइस, ये तो पूंछ है, ये तो गाइस अरे ये इसका वो है पीछे का सपोर्ट करने का। और ये देखो यार, और साथ ही साथ अपने पास एक और है यहाँ पर, ये मैनुअल है ये देखो। और अब निकालते हैं इसकी मेन जो है बॉडी। वाह गाइस यार ये भी बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। और यहाँ पे आई थिंक इसके पंख अटैच होंगे दोनों तरफ में ऊपर जो है। और इसकी अरे यार ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है बस गाइस, इसका जो मुँह है वो और अच्छा हो सकता था। और ये भी काफी ज्यादा लाइट वेट है। और यहाँ पे क्या जिप है गाइस, इसकी बॉडी भी खुल जाती है ये देखो। अच्छा तो गाइस इसकी बॉडी भी इस तरीके से खुल जाती है यहाँ से ये देखो। तो चलो अब इसको असेंबल करते हैं और फिर आपके सामने लिखाते हैं इसको और उड़ा के दिखाते हैं आपको। गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा सा रेडी हो गया है हमारी ईगल। गाइज यहाँ पे लग जाएगी इसके अंदर बैटरी, एक बैटरी लगी हुई है इसमें। वाह यार गाइज एक बैटरी लगी हुई है, एक एक्स्ट्रा है भाई। रिमोट के अंदर बैटरी तो डाल दी है, इसको ऑन करते हैं अभी आवाज। अच्छा इसमें सारी गाइज आवाज। इसको भी गाइज ऑन कर देते हैं। तो गाइज मुझे नहीं पता कि ये कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। ठीक है गाइज ये कनेक्ट हो गया है। तो गाइस इसके अंदर बहुत सारे बटन हैं। ओ अबे अबे रुक जा, अबे रुक कैसे रुकेगी। तो गाइस यार ये तो बड़बड़ाने लगी। और तेरी गाइस ये देखना, ये जो जॉयस्टिक है ना इसको देखना। ओ तेरी ओ तेरी, ये तो बढ़िया है। वाह यार ये देखो गाइस आवाज भी आ रही है। रुक जा। अरे हवा देख, हवा बहुत तेज आ रही है। छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो गाइस। जमीन से कराते हैं इसको। नहीं नहीं ओए स्पीड धीरे होगी। ठीक है गाइस टेक ऑफ करते हैं अब इसका। बस हमारे हर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की तरह ये टूट ना जाए पहली बारी में। उड़ा उड़ा उड़ा। हाँ फेंक जोर से ऊपर दबा रखा आपने। बोल हाँ जॉयस्टिक को ऊपर कर। हाँ
गाइस बैटरी डिस्चार्ज है इसकी, मेन दिक्कत ये आ रही है, अब समझ में आया। तो बैटरी चार्ज लगाते हैं, फिर से उड़ाते हैं इसको। साले तोड़ दिया गाइस, इसकी जो है पीछे की हड्डी टूट गई है यहाँ से बहुत ज्यादा। ये देखो यहाँ से इतना ही टूटा है, हाँ इतना ही टूटा है। इसको रिपेयर करते हैं और एक बार और उड़ा के देखते हैं। A few moments later, गाइस हमारा पक्षी जो है फिर से तैयार हो गया है, इसको उड़ाते हैं। तो चलो इसको उड़ा के देखते हैं, थोड़ा उधर चलते हैं। उड़ाओ कबूतर, उड़ाओ, बोलो जा, उड़ाओ जा 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 जा, उड़िया उड़िया उड़िया, घुमा घुमा। कबूतर उड़े, वाह यार मस्त है यार। गाइस ये देखो मस्त हो रहा भाई। धुआं निकल गया, निकल गया। हाँ नहीं नहीं धुआं तो निकला है। मिट्टी मिट्टी। हाँ वो क्या है कि कोयल से फट गई थी ना। गाइस यार यकीन मानो ये तो बहुत तगड़ी चीज थी। इस चील को मारने के लिए बहुत सारे दूसरे कौवे आ गए। उनको लगा आज चील नीचे कैसे आ गई। मस्त है यार। अब भाई पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा हमारी चील को उतारने के लिए। वहाँ ऊपर फंस गया, अब इसको निकालेंगे कैसे। अबे तू बंद करने इसको, ये भी चिल्ला रही है। देखो ये कह रही है बचाओ, बचाओ। अब चुप होगी, जिंदी जिंदी हालत दिखाइए इसकी। भैया ने हमला कर दिया, भैया के मुंह पे अटैक करा इन्होंने, इसको हटाया। तो बिटुक भी ठीक है यार, कुछ नहीं हुआ। तू उड़ाएगा मैं दोबारा से। गाइस मस्त है यार, ये बहुत तगड़ी है ये तो। अंधे अंधे गाइस, लैंडिंग लैंडिंग लैंडिंग। पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया पकड़ लिया। तो गाइस यार ये एक नंबर चीज है। आई होप आपको भी ये चीज पसंद आई होगी। भाई बहुत प्यारी यार, यकीन मानो इतनी क्रैश हुई, इतना सब कुछ, और फ्लाई भी बहुत मजा आता है इसको उड़ाने में। मजा आया मनी, और इसके खून में भी टाइटेनियम है, इसके खून में भी टाइटेनियम है, इसलिए खराब नहीं हुई बैटरी में। बैटरी में टाइटेनियम बढ़िया है, इसमें खुद में, इसमें खून आता है भाई बैटरी में। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, ये भी कह रही है देख, इसने भी कहा। तो आज के लिए बस इतना, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, रखते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उड़ा जवान।